हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलीनोमियल्स के 10 एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज। सबसे पहले यहाँ पे हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा, लेकिन इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास नहीं है। अब इक्वेशन में से इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करते हैं। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाय ए इक्वल टू माइनस फोर है बी और ए टू, माइनस माइनस फोर अपॉन में टू, माइनस माइनस प्लस फोर बाय टू, टू टू जा मतलब सम ऑफ जीरोस आया टू। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाय ए कॉन्स्टेंट टर्म फाइव अपॉन में ए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू फाइव बाय टू। यहाँ पे दोनों वैल्यूज को प्लेस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा टू आया अपॉन में अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइव बाय टू। इसे सॉल्व करेंगे टू इन टू, ये ऊपर जाएगा टू बाय फाइव, टू टू जा फोर बाय फाइव। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर टू है, इफ एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस टेन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो रखेंगे, एक्स इज इक्वल टू टू, टू हम एक्स की प्लेस पर रख सकते हैं, तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस टेन। यहाँ पे हम टू प्लेस करेंगे एक्स की प्लेस पर, टू का क्यू प्लस टू इंटू टू का होल स्क्वायर माइनस के इंटू टू प्लस टेन, टू का क्यूब एट प्लस टू टू जा फोर, फोर टू जा एट माइनस टू के प्लस टेन। के की वैल्यू फाइंड करनी है इक्वल में जीरो, टू के नेगेटिव का इक्वल में चला जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज को हम ऐड कर देंगे। एट प्लस एट सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस टेन ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू टू के, के इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स बाय टू थर्टीन। करेक्ट ऑप्शन इज डी 13। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर फोर माइनस वन इज। पहले दोनों प्रोडक्ट में ही इसे हम सॉल्व कर लेते हैं और हमें डिग्री फाइंड करनी है, मतलब हाईएस्ट पावर। एक्स का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स टू द पावर फोर माइनस वन प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स टू द पावर फोर माइनस वन। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर फाइव माइनस एक्स प्लस, ये पूरा एज इट इज आ जाएगा वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो। यहाँ पे हम चेक करेंगे कुछ सॉल्व हो रहा है क्या, एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब हाइएस्ट पावर आ रही है फाइव, एक्स की पावर फाइव प्लस एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन, हाइएस्ट पावर फाइव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर थी, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर। यहाँ पे हमें जीरोस फाइंड करने हैं। हम यहाँ पे चेक करते हैं सम ऑफ जीरोस क्या होगा। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए माइनस बी 99 माइनस 99 अपॉन में ए कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वन है मतलब माइनस 99, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय ए कांस्टेंट टर्म 127 अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर वन मतलब 127। यहां पर हमें चेक करना है जो हमारे जीरोस आए हैं वो बोथ पॉजिटिव है बोथ नेगेटिव है, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव या बोथ इक्वल। सम ऑफ जीरोस अगर माइनस में है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर पॉजिटिव है, तो जीरोस दोनों नेगेटिव होंगे तभी ये पॉजिटिव आ सकता है, मतलब बोथ आर नेगेटिव, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द नंबर ऑफ जीरोस द पॉलिनोमियल फंक्शन x इक्वल टू x माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस वन कैन हैव इज। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वन, a माइनस बी का होल स्क्वायर की यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू थ्री जा सिक्स इंटू एक्स सिक्स एक्स प्लस
प्लस बी स्क्वायर 3 3 9 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। ये जो फॉर्मेशन है ये क्वाड्रेटिक का है। क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 0s निकलते हैं, मतलब ऑप्शन होगा सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 से द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स कट द एक्स एक्सिस 5 times एंड टचेस इट 3 times। द नंबर ऑफ 0s ऑफ पी एक्स इज, जब ग्राफ की बात होती है वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर जो कि 5 times है, वो टच कर रहा है 3 times, नंबर ऑफ जीरोस हमें फाइंड करना है। तो इजीली हम दोनों जो टाइम्स देके रखे हैं उन्हें हम प्लस करेंगे, 5 + 3 = 8। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 थी, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx = x²−5x + k such that α − β = 1, then value of k is। यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे हम पहले फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस होगा −b/a −5 अपॉन में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 या 5। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = c/a कॉन्स्टेंट टर्म k और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 = k। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 5 आ गया, अल्फा माइनस बीटा = 1 हमें गिवन है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 2α = 6, अल्फा हो जाएगा 3। 3 अल्फा को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा = 5, अल्फा की वैल्यू हो गई 3 प्लस बीटा = 5। बीटा इज इक्वल टू 5 − 3, ये 2, अल्फा आ गया, बीटा आ गया। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा = k बोला था, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी थी वो थी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = k। तो अल्फा हमारे पास है 3, बीटा है 2 = k, k की वैल्यू हो जाएगी 2 3 6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 थे, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ इज। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ जीरोस एक्स एक्सिस पर देखे जाते हैं, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर एक ही पॉइंट आ रहा है ए, मतलब नंबर ऑफ जीरोस हो गए 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 थे, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ इज। यहाँ पर हमने अभी बात करी एक्स एक्सिस पर जितने पॉइंट टच करेंगे वो नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहाँ पे कोई भी पॉइंट टच नहीं कर रहा है ग्राफ पर, तो यहाँ क्या हो गया 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 थी, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू k² + 4 × x² + 13x + 4k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन k। यहाँ पर फंक्शन हमें गिवन है, यहाँ पे बोला है 1 0 जो होगा वो रेसिप्रोकल होगा अदर के। 1 0 को अगर हम अल्फा मानते हैं तो दूसरा 1/α होगा। यहाँ पर a इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है k² + 4, b इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ x 13, c कॉन्स्टेंट टर्म 4k। यहाँ पर हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू 1/α = c/a। अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 बचा = c/a। 1 इज इक्वल टू सी, सी क्या है 4k अपॉन में a k² + 4 क्रॉस मल्टीप्लाई k² + 4 = 4k। k स्क्वायर ये इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 4k + 4 = 0। 4 कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1, फैक्टराइज करेंगे 4 1 जा 4, 4 के फैक्टर्स चाहिए जिससे प्लस या माइनस करने पर 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर 4, तो 2 2 जा 4 ले सकते हैं हम। k² - 2k - 2k + 4 बोथ नेगेटिव रखेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन नेगेटिव। k कॉमन निकालेंगे दोनों में से, k - 2, यहाँ पर भी k - 2 आएगा। अब यहाँ पर 2 चाहिए तो 2 × k 2k, 2 2 जा 4 −2k, तो यहाँ माइनस का साइन, k - 2 k - 2, तो जीरोस हो जाएंगे k = 2, 2 मतलब k की वैल्यू आ रही है 2। करेक्ट ऑप्शन इज ए, k
k is equal to 2. I hope you like my video. If you like my video, do like, share and subscribe.